संघ के एक प्रमुख नेता भैयाजी जोशी का ये हालिया बयान वाकई चौंकाने वाला है कि राम मंदिर का निर्माण अब 2025 में होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भाजपा राम मंदिर के रथ पर सवार होकर 2019 की चुनावी वैतरणी को पार करना चाहती है, जबकि संघ नेतृत्व की मोदी शाह जोड़ी से ये अपेक्षा थी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर उसमें राम मंदिर मुद्दे पर वोट कराया जाना चाहिए था। इसके लिए एक अध्यादेश लाने की जरूरत थी, पर जैसा कि भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह जाने अनजाने कह गए कि राम मंदिर मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, संघ नेतृत्व को ये बात किंचित नागवार गुजरी। सन 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब संघ चाहता है कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए केंद्र रूढ़ सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को कृत संकल्प हो। शायद यही वजह है कि इन दिनों गडकरी और योगी संघ की आंखों के तारे बनकर उभरे हैं। NTI पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।